मैनपुरी में इसी से 18 घंटा ये गाड़ी चला के 2 बजे रात को मैं मैनपुरी पहुंचा हूँ। कितनी दूरी पड़ी थी आपको यहाँ से? यहाँ से मान लीजिए, यही कहूँगा कि अगर कोई झूठ बोलता है तो इसमें सबसे ज्यादा झूठ बोलने में बीजेपी माहिर है। समाज में ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी पार्टी में है, वो किसी भी पार्टी में नहीं है। केवल और पार्टियों में ब्राह्मणों को चूतिया बनाया जाता है, बस उनका सम्मान नहीं किया जाता है। आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीदें हैं लोगों से, जनता से? जनता से हमें नहीं उम्मीद है, जनता तो सीधा बता रही है कि 2024 में बीजेपी का पत्ता साफ। अखिलेश यादव से आप कितनी बार मुलाकात हुई आपकी? हर महीने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात होती है। हर महीने होती है। दिवंगत हो चुके मुलायम सिंह यादव जी, देखिए समाजवादी पार्टी एक परिवार है, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा परिवार है और जहाँ भी हम जाते हैं। प्रचार के लिए कहाँ कहाँ तक गए हैं? उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, सभी ब्लाकों तक हम पहुँचने का काम किए हैं और तमाम गाँव में भी गए हैं। लोगों को, सारे लोगों को ये पता है कि जब चुनाव का मौसम आता है तब आपको ऐसे झंडे देखने को मिलेंगे और ये रोड पर चलते हमेशा आपको नजर आएंगे। समाजवादी का झंडा लगा हुआ है सामने, आप देखेंगे तो बाघ का एक लगा रखे हैं ये, और ये नाम इनका है पंडित समरजीत, और ये समाजवादी के कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो तस्वीरों से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कहीं ना कहीं समाजवादी के प्रति जो इनकी दीवानगी है वो आपको साफ तौर पर नज़र आ रही होगी, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं झंडे के अलावा और जो भी इनके संसाधन है जिस चीज़ से ये चल रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी के रंग में पूरे तरीके से रंगा हुआ है। अब इनसे हम बातचीत करेंगे और देखने के बाद, इस गाड़ी पर ये बैठे हुए तो ऐसा लग रहा है कि ये दिव्यांग ही हैं। इनसे हमारी बातचीत होगी इस चीज़ को लेकर कि आखिर इनको समाजवादी पार्टी के प्रति इतनी दीवानगी कैसे हो गई। नाम इनका, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि नाम इनका पंडित समरजीत है, और आमतौर पर अगर मैं बात करूं तो जो विपक्ष है इस समय उत्तर प्रदेश में वो बार बार ये आरोप लगाता है कि जो बीजेपी है वो सवर्णों की पार्टी है और सवर्णों की सरकार है, लेकिन आखिर ये भी एक सवर्ण परिवार से आते हैं तो ये समाजवादी पार्टी में कैसे गए और कैसे इनको इतनी दीवानगी हो गई समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आपकी वो उम्र क्या थी जब आप समाजवादी पार्टी के प्रति इस तरीके से दीवानगी आपके अंदर आ गई? देखिए हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय, 2007-08 में छासंग का चुनाव लड़े और उस समय मैं चुनाव जीता, उसके बाद से समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद तब से पार्टी में लगा हूँ। तब से आप पार्टी में लगे हुए हैं, आप प्रचार के लिए कहाँ कहाँ तक गए हैं? उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, सभी ब्लाकों तक हम पहुंचने का काम किए हैं और तमाम गाँव में भी गए हैं और समाजवादी नीतियों विचारों को जनता तक पहुंचाने का काम भी सदैव करते रहते हैं। इस समय महंगाई इतनी ज़्यादा है, ये सारे लोग कह रहे हैं महंगाई है, आपको भी लग रही महंगाई है? अरे भैया पूछिए क्या हालत गुजर रही है हमारी, क्या पूरे समाज की हालत गुजर रही है। तो नहीं रहा है, आप इस गाड़ी से चल रहे हैं और ये पेट्रोल से गाड़ी चल रही है, आपको देखने के बाद तो नहीं लग रहा कि आप इस तरीके से घूम रहे हैं रोज? आपको महंगाई लगती तो आप घूमते हैं इस तरीके से? देखिए समाजवादी पार्टी एक परिवार है, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा परिवार है और जहां भी हम जाते हैं हमारे जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं जो भी हैं वो थोड़ा थोड़ा सदैव हमारी मदद करने का काम करते हैं, जिससे आज तक हमें कहीं रुकावट नहीं झेलना पड़ा। अखिलेश यादव से आप कितनी बार मुलाकात हुई आपकी? हर महीने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात होती है। हर महीने होती है। दिवंगत हो चुके मुलायम सिंह यादव जी जो इस दुनिया में नहीं है, उनसे कभी आपकी मुलाकात हुई थी? हाँ हमारे नेताजी से भी बराबर मुलाकात होती है। अभी हमारे नेताजी जिस दिन इस दुनिया में नहीं रहे, हम खुद मैनपुरी गए थे श्रद्धांजलि देने, मैनपुरी इसी से आप गए थे? हाँ मैनपुरी में इसी से 18 घंटा ये गाड़ी चला के 2 बजे रात को मैं मैनपुरी पहुंचा हूँ। कितनी दूरी पड़ी थी आपको यहाँ से? यहाँ से मान लीजिए 420 किलोमीटर। बिल्कुल, ये आप समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी के प्रति इनकी दीवानगी को। मुलायम सिंह यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के संस्थापक, जो इस दुनिया में जब इन्हें खबर चली कि वो इस दुनिया में नहीं है तो ये फिर घर से निकल पड़ते हैं इसी गाड़ी के से और 18 घंटे तक लगातार इसको चलाते हुए फिर उनके अंतिम दर्शन के लिए जाते हैं। आपने कहा चुनाव कब से शुरुआत की आपने राजनीति का? 2008 से आप लगे हुए, तक कई विधानसभा चुनाव जीते, कई लोकसभा चुनाव जीते और पार्टी के प्रति आपकी इतनी दीवानगी। अखिलेश यादव आपसे हर महीने मिलते हैं, आपको विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़वाया गया अब तक? देखिए जब चाहूँ तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें चुनाव लड़ने का आशीर्वाद दे दे। ऐसा कौन नहीं चाहता। पहले मेरी बात सुनिए, जब हम चाहे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन मैं स्वयं
अभी जान रहा हूँ कि संघर्ष करना है, समाज की सेवा करना है, अभी हमको संघर्ष करने के लिए समय है, इसलिए मैं संघर्ष करता हूँ, अभी स्वयं चुनाव नहीं लड़ा। अभी तो आप कह रहे हैं कि समाज की सेवा करना है, समाज की सेवा बेहतर तरीके से जब आप विधानसभा में जाएंगे, जब आप लोकसभा में जाएं तब होगा, अभी तो आपकी सेवा लोग कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग भरे हुए हैं विधानसभा में, जो भी मुद्दा होता है हम बताते हैं, वहाँ उठाया जाता है, तो संघर्ष नीचे से ऊपर तक जाता है। अगर आप सीधे विधानसभा में जाकर सवाल करें तो सीधे जाएंगे तो नीचे छूट जाएगा, हमें तो नीचे देखना है। हमारी जिम्मेदारी आपकी है कि नीचे की जिम्मेदारी? नीचे की जिम्मेदारी यह है कि हमें जनता को देखना है, हमारे जनता में जहाँ सुख दुख होता है मैं सदैव उनके लिए संघर्ष करता हूँ। बाकी नहीं है, आप ही हैं। बाकी तो हमारे बाकी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही है, जब नीचे से आवाज हम लोग ऊपर पहुँचाएंगे तब तो उनकी मदद होगी। आप कार से जा रहे हो, बंद है शीशा, रास्ते में कोई गिर गया तो आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन कोई दौड़ के आपको बताएगा, तुरंत आप जान जाओगे कि यहाँ ये दिक्कत है। बीजेपी इस समय, विपक्ष कह रहा है इस समय कि जो भाजपा है, भाजपा की सरकार है, वो सवर्णों की पार्टी है, सवर्णों की सरकार है। आप भी एक सवर्ण परिवार से आते हैं जी, क्यों आपको अखिलेश यादव से इतना लगाव हो गया समाजवादी पार्टी? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जो सवर्ण समाज, क्या ब्राह्मण समाज को जो सम्मान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने जनेश्वर मिस पार्क बनवा के ब्राह्मणों को सम्मान देने का काम किया है, यह सम्मान आज तक पूरे भारत में किसी पार्टी ने देने का ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दिया है। इसी को देखते हुए जो समाज में ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी पार्टी में है, वो किसी भी पार्टी में नहीं है, केवल और पार्टियों में ब्राह्मणों को चूतिया बनाया जाता है, बस उनका सम्मान नहीं किया जाता है। आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीदें हैं लोगों से, जनता से? जनता से हमें नहीं उम्मीद है, जनता तो सीधा बता रही है कि 2024 में बीजेपी का पत्ता साफ और समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हाँ, विधानसभा चुनाव है, उसका क्या कुछ इरादा बन रहा है आपका चुनाव लड़ने का, क्योंकि आपने कई सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ, लोग हमें प्यार दे रहे हैं, तो क्या इरादा नहीं बन रहा, क्योंकि अभी तो विधानसभा चुनाव दूर है? देखिए, समाज की सेवा चुनाव जीतने से नहीं किया जाता, उनके लिए संघर्ष करने से किया जाता है। बड़े बड़े वादे तो चुनाव के समय ही होते हैं, नेताओं के वादे तो जब चुनाव आता है उसी समय होते हैं कि मैं सब बिजली, पानी, सड़क, सारी सुविधाएं लोगों को दूंगा, गरीबों के लिए जो भी सुविधाएं वो मुहैया कराऊंगा, सिर्फ चुनाव के समय नहीं। देखिए, कुछ पार्टियां जो हैं वो केवल गुमराह करने का काम करती हैं, लोगों को चूतिया बनाती हैं। जैसे अभी माननीय योगी जी ने कहा था कि बिजली फ्री जितने ट्यूबवेलधारी हैं सिंचाई कर रहे हैं, और उसके बाद दिव्यांगों, विधवाओं और तमाम पेंशन जो है 1500 रुपया प्रतिमाह कर दिया जाएगा, घर की लाइट आधी कर दी जाएगी सभी परिवारों का, लेकिन इसमें से एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर कोई झूठ बोलता है तो इसमें सबसे ज़्यादा झूठ बोलने में बीजेपी माहिर है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो भी तमाम ऐसे गुंडे थे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, वो समाजवादी पार्टी के संरक्षण में रहते थे, और अभी उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। देखिए, हम तो यही कहेंगे केवल बाबा का बुलडोजर वही जाता है जहाँ रिएक्शन फैलाना हो। अभी वही बगल कानपुर की घटना हुई, ब्राह्मण जिंदा जला दिए गए, वहाँ बताइए किसके घर बुलडोजर गया, किसी के नहीं गया। वहाँ कोई ब्राह्मण, आज तक जितनी भी हत्याएं ब्राह्मणों को हुई हैं आप खुद रिकॉर्ड देख लीजिए, कितने ब्राह्मण को न्याय मिला है, या कितने ब्राह्मण, जितनी भी हत्याएं हुई हैं कितने लोगों को न्याय मिला या किसका घर तोड़ा गया, किसी का नहीं। तब तो आपके मुताबिक ये जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, जिनको जेल में भेज दिया जा रहा है, अपराधी नहीं है? वो तो सारा समाज जान रहा है कि किसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, किसके ऊपर नहीं चलाया जाता है। सैकड़ों मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं, ऐसा रिकॉर्ड है, ये झूठ थोड़ी ना है कि उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, ऐसे चला दिया जा रहा है बुलडोजर। हम वही कह रहे हैं कि प्रतिदिन कई घटनाएं हो रही हैं, क्यों नहीं वहाँ बुलडोजर जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा? हम तो कहते हैं जब तक उस ब्राह्मण को न्याय, परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, मैं कभी भी बीजेपी के बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। या तो कानपुर में जो घटना घटी है उसको देखते हुए वहाँ न्याय करे, वहाँ ना आज तक कोई प्रशासन को दंडित किया गया, ना मुकदमा लिखाया गया, कोई न्याय हुआ उस परिवार के साथ, कुछ नहीं हुआ। ये केवल वही हम बताते हैं कि रिएक्शन फैलाने की जगह इनका बुलडोजर जाता है, इनका न्याय होता है। सरकार की तमाम योजनाएं हैं, क्या उन योजनाओं को लाभ आपको मिल रहा है? सरकार का क्या, वही दिव्यांगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। आपने कहा कि 2024 में बीजेपी का खात्मा होगा,
आपने यही कहा ना? हाँ। लेकिन जिस तरीके से सब बीजेपी का एक नारा था कि सबका साथ सबका विकास, और समाजवादी पार्टी का भी एक नारा है, वो आपको याद होगा, क्या समाजवादी पार्टी का नारा था? हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी केवल जनता को, मेरा सवाल अभी आगे होगा, आपको समाजवादी पार्टी का नारा याद है? जब समाजवादी विधानसभा चुनाव था तो एक समाजवादी पार्टी का भी नारा था, सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी का था जी। समाजवादी पार्टी का क्या था? वही याद नहीं आ रहा। अरे हम यही कह रहे हैं, काम बोलता है, काम बोलता है। हाँ, तो आपको ये याद है तो काम तो बोल ही रहा। कहा आज काम? अरे काम बोला कहाँ, इस तरीके से बुरी तरीके से हार गई। अगर बोलता तो हारते, आप बताइए। हारी नहीं है, न जनता ने हराया है, ये केवल जबरदस्ती हराया। अरे 150 वोटों के लिए जनता को हराया गया, समाजवादी पार्टी को हराया गया है। अरे इससे बढ़िया प्रमाण आप रामपुर की देख लीजिए। चलिए प्रमाण दीजिए, मैं भी प्रमाण दूंगा। हाँ। मैं बता रहा हूँ, आपने तमाम वीडियो देखा होगा कि प्रशासन जो है दौड़ा दौड़ा के मारा, वहाँ के लोगों को वोट नहीं देने दिया। अब बताइए, जहाँ 2000 वोट वहाँ पड़ा रहा 50 वोट, तो बताइए इससे क्या हुआ? वही हुआ कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। मतलब जहाँ समाजवादी पार्टी जीत गई वहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, और जहाँ बीजेपी जीत गई जिस सीट पर वहाँ दिक्कत हो रही कि वहाँ पे मशीन में चोरी की गई, लोगों को मारा गया। हम ये कह रहे हैं कि जहाँ समाजवादी के लोग संघर्ष कर ले गए वहाँ तो वो पा गए, और बाकी जितना था वो देखिए, बीजेपी ने पहले ही बता दिया था कि मैं इतना सीट लूंगा, मेरी इतनी सीट आएगी, तो क्या वो भगवान हो गए? समाजवादी पार्टी ने भी तो कहा था कि हम इतनी सीट लाएंगे, पूर्ण बहुमत से बनाएंगे, काहे नहीं हुआ?